Assalamualaikum alaikum everyone hope so you all are having a very good health uh, we are here again with a very, very different topic that is uh, training and development second is like what are the compensation and benefits given by the organization and the third is new challenges in changing workplace like uh, whenever we change our workplace like what are the new challenges that are um, given to us and how we can cater it down

ऑफ द जॉब में आपके पास होता है एक like, लाइक uh, जब रिक्रूटमेंट होती है आपकी तो सिलेक्शन uh, के बाद बेसिकली आपके पास ना लाइक टू और थ्री वीक्स की ट्रेनिंग होती है uh, जो कि सिमिलर होती है कि uh, जिस तरह आप काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है एक आर्टिफिशियल सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है दैट इज सिमिलर टू वर्क प्लेस वेजिटेबल ट्रेनिंग होती है आपके पास लाइक like, uh, क्या आपने uh, जो जॉब में आपके पास कैसे आपने टूल्स को यूज़ करना है कैसे इक्विपमेंट को यूज़ करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं एक आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है एक लाइक आप अपने जो सीनियर लोगों से जो सीखते हैं दैन फिर आपके पास एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है एक लाइक uh, उसमें जिससे एक uh, वो कॉकपिट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है पायलट्स के लिए कि वो आठ घंटे नौ घंटे अगर उन्हें uh, उनकी है एक लाइक uh, फ्लाइट है तो वो कैसे अपने अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं कैसे बरकरार रख सकते हैं तो ये डिफरेंट ऑफ ट्रेनिंग होती है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आता है आपके पास परफॉर्मेंस रिवल्यूशन इसमें बेसिकली uh, क्या होता है कि uh, हर कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर सेट किए होते हैं स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं वन हैज टू डिफाइन दैट फिर आपने ऑब्जर्व करने है कि जो अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है और आपको जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं तो क्या आपने उसके अकॉर्डिंगली काम किया है या नहीं किया फिर आप राइट अप करते असेसमेंट के मतलब कितना सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट कितना काम हुआ है फिर आप डिस्कस करते हो अप्रेज़ल बेसिकली अप्रेज़ल होता है एक इस जो भी आपके पास ही और शी आता है कि इसमें आपने ट्रांसफ़र करना है प्रमोशन है नहीं देनी है तो इसलिए आपके पास ये अप्रेजल डिस्कस की जाती है